क्या चाहता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और मेरे पास इस क्वेश्चन का कभी आंसर ही नहीं था। बट थैंक टू माय टीचर्स, फ्रेंड्स, अब मैं बड़े ही प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट बनकर ही रहना है, हर दिन कुछ नया सीखते चलना है। आई नो दिस इज नॉट अ गुड एंडिंग। अब शायद हम लोग ही फेसबुक टाइमलाइन पहले की तरह ना रहे। बिताए हुए इन 4 सालों का अगर याद करे तो शायद आंखें नम पड़ जाए। वो कॉलेज का फर्स्ट डे अपने साइड बैठे बंदे को देखकर स्माइल करना और फिर हमेशा के लिए उसे अपना बेस्टी बना लेना, मेरे बहुत ही रेयर फ्रेंड्स हैं। प्रताप, हाय प्रताप, एक ऐसा दोस्त जो खुद पर जोक बनने पर भी अपने आप को सबसे कूल समझे। राधे श्याम, एक ऐसा साथ जो तो किसी बात का डर ही ना हो। राज, पढ़ाई के अलावा कॉलेज में बंक मारने से लेकर फ्लर्टिंग करने तक सारे काम करे, जो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाले, और अगर ना हो तो ऐसा लगता कि यार आज कुछ तो मिसिंग है। प्रफुल, अपने 10th स्टैंडर्ड की लौकी दास का धरती सुनाए, ये बोलकर कि भाई बहुत प्यार करता हूँ, प्यार में तो हीरो बाकी सब जगह जीरो लाए। सॉरी भाई, एक मंथ बाद हम सब बिछड़ जाएंगे। अब फ्रेंड्स तो बनेंगे पर वो दोस्ती नहीं रहेगी, लोग तो मिलेंगे पर वो यादें नहीं रहेगी। एक बात है तुम सबसे कहनी है कि इस 4 साल की जर्नी में अगर मैंने किसी का भी दिल तोड़ा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। डियर टीचर्स, HOD सर स्पेशली, सर इफ आई डिड एनी काइंड ऑफ मिसबिहेव विथ यू, सो प्लीज फॉरगिव मी सर। मैं आप जैसा टीचर ना हर किसी को देगा, मतलब आप जैसे को लेकर देखकर हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते हैं। Just don't get me wrong that I am saying such kind of line so that you will be impressed and I go boost my mark. No, sir. Actually, I just express my feeling. In 4 सालों में हमारे यहाँ कोई नहीं था, ना दोस्त थे, सिर्फ दोस्ती थे, ना फूफा, ना चाचा, ना बुआ, ना मम्मी, कोई नहीं। यार जैसा इस 4 साल तक तुम लोगों ने साथ निभाया ना यार, एक बस एक वादा कर दो कि पूरी जिंदगी निभाओगे। सक्सेस तो बहुत हो गए यार, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, कोई HR होगा, कोई बिजनेस खोलेगा, अरे करोड़ों रुपए कमाओगे यार। पर दोस्ती यार, दोस्ती को कभी पैसों या फिर औकात से मत तोड़ना।